नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज हम बात करने वाले हैं विलोम सब से रिलेटेड 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला के बारे में। दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है। अगर आपने इसके पहले का पार्ट और हिंदी के 20 से अधिक प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। अब दोस्तों, ये जो विलोम शब्द हम 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लगा रहे हैं तो ये सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, चाहे वो स्टेट लेवल की हों या सेंट्रल लेवल की हों। जहाँ कहीं भी हिंदी पूछी जाती है उन सभी परीक्षाओं के लिए ये विलोम शब्द का वीडियो रामबाण सिद्ध होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है जिसे आप निःशुल्क ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दोस्तों हिंदी के वीडियोज़, नोट्स और डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना होगा, टेलीग्राम ऐप में जाके ब्लैक बोर्ड हिंदी सर्च करना होगा, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ग्राह्य का विलोम शब्द है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो आपको नहीं आता उन्हें नोट करते चलें, जिससे कि आपको वीडियो के लास्ट तक काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो ऑप्शन है दोस्तों, त्याज, ग्रहण, त्याग या निगलना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, त्याज। ग्राह्य का विलोम शब्द क्या होता है? त्याज होता है। दोस्तों, एक और भी विलोम शब्द होता है ग्राह्य का, तो वो होता है दोस्तों आग्राह्य। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में या तो आपको त्याज मिलेगा या आग्राह्य मिलेगा, तो दोनों आपको नोट कर लेने हैं, जिससे कि परीक्षा में दोनों में से कोई भी आए तो आप उसे कर सकें। दूसरा प्रश्न देते हैं दोस्तों हम अपना, नैसर्गिक का विलोम शब्द है। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण विलोम शब्द है। तो ऑप्शन है दोस्तों, प्राकृतिक, कृत्रिम, सजीव या निर्जीव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कृत्रिम। यानी नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होता है? कृत्रिम होता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न लेते हैं दोस्तों, भ्रांत का विलोम शब्द है। अब दोस्तों, इस प्रश्न को लेने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जिनका परीक्षा भी जल्दी में होने वाली हो वो लोग क्या करें कि विलोम की हमारी जो 100+ इम्पॉर्टेंट वाली वीडियो है उसे देख लें, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो इससे बेटर है कि अगर आपका परीक्षा जल्दी होने वाला है तो आप उस विलोम 100+ इम्पॉर्टेंट वाले वीडियो को देख लें। हिंदी ट्रिक की प्लेलिस्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और जिनका भी थोड़ा सा समय है परीक्षा होने में, तो वो लोग हमारे साथ लगातार प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं चलिए दोस्तों, क्या है? अभ्रांत है, निभ्रांत है, साभ्रांत है या शांत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्भ्रांत। ठीक है, भ्रांत का विलोम शब्द निर्भ्रांत होता है। चौथा प्रश्न लेते हैं दोस्तों हम अपना, समष्टि का विलोम शब्द है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों ये प्रश्न, अगर नहीं आता है तो इसे नोट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन है दोस्तों, पाष्टि, व्यस्ति, व्यष्टि या अमष्टि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, व्यष्टि। समष्टि का विलोम शब्द होता है व्यष्टि। पाँचवें प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। पाँचवा प्रश्न है हमारा, प्रसारण का विलोम शब्द है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है अप्रसारण, निप्रसारण, अनप्रसारण या कुंचन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अप्रसारण। ठीक है, प्रसारण का विलोम शब्द क्या होता है? अप्रसारण होता है। अब दोस्तों, कहीं कहीं आपको इसका दूसरा भी विलोम शब्द है वो देखने को मिलेगा, तो वो होता है दोस्तों आकुंचन। ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर इससे भी प्रश्न बनते हैं, आपको ऑप्शन में आकुंचन दे देगा, तो आपको आकुंचन ही टिक करना होगा। ठीक है, छठा प्रश्न लेते हैं दोस्तों, चिरंतन का विलोम शब्द है। बहुत ही महत्वपूर्ण, और ये मैंने लगभग अपने जितने भी प्रैक्टिस सेट उनमें कई बार डाला है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है नास्तिक, नस्वर, चिता या आस्तिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नस्वर। चिरंतन का विलोम शब्द नस्वर होता है। ठीक है, सातवां प्रश्न लेते हैं दोस्तों, अनिवार्य का विलोम शब्द है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी दोस्तों। ऑप्शन है वैकल्पिक, ऐच्छिक, कठिन या असंभव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, ऐच्छिक। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होता है? ऐच्छिक होता है। अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। आठवां प्रश्न है हमारा, अनुग्रह का विलोम शब्द है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो ऑप्शन है विग्रह, ग्रह, नम्र या सुग्रह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, विग्रह। अनुग्रह का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है? विग्रह होता है। ठीक है, नवां प्रश्न लेते हैं दोस्तों, पुरस्कार का विलोम शब्द है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन है आविष्कार, तिरस्कार, पुरहकार, तिरस्कर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, तिरस्कार। पुरस्कार का विलोम शब्द तिरस्कार होता है। ठीक है, दसवां प्रश्न लेते हैं दोस्तों हम अपना, तो ये है प्रसूति का विलोम शब्द है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो प्रसूति का विलोम शब्द है अप्रसूत, निवृत्ति,
निप्रसूत या अनप्रसूत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, निवृत्ति। प्रसूति का विलोम शब्द होता है निवृत्ति, ठीक है। 11वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों, रथि का विलोम शब्द है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। तो ऑप्शन है विरथ, भीरत, सारथी या सारथी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए विरथ, ठीक है। रथि का विलोम शब्द क्या होता है, विरथ होता है। अब दोस्तों विलोम शब्द में आजकल क्या होता है कि ऑप्शन में क्या करेगा, वर्तनी से रिलेटेड अशुद्धियाँ दे देगा। तो आप लोगों को वर्तनी पूरी क्लियर होनी चाहिए, मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा टिक कर रहे हैं, क्योंकि अगर आसपास का दे देगा तो वहाँ पर आप गलती कर सकते हैं। तो उसे ज़रूर ध्यान रखिए अपने माइंड में और उसे भी उतनी ही तैयारी करिए, ठीक है। तो 12वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों, तृष्णा का विलोम शब्द है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अति तृष्णा, वितृष्णा, अधितृष्णा या अंतृष्णा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, तृष्णा का विलोम शब्द होता है वितृष्णा, ठीक है। 13वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों हम अपना, वैभव का विलोम शब्द है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो हो जाएगा ऑप्शन अति वैभव, अनाभाव, अधिवैभव या पराभव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पराभव। वैभव का विलोम शब्द क्या होता है, पराभव होता है, ठीक है। और आप एक ऑप्शन और देख नोट कर लीजिए, क्योंकि वैभव का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, दारिद्र्य होता है, ठीक है, दारिद्र्य। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको पराभव नहीं दिया होगा तो वहाँ पे आपका दारिद्र्य दिया होगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा। 14वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों, आगामी का विलोम शब्द है, ऑप्शन है जारज, औरस, विगत या अनुगामी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, विगत। आगामी का विलोम शब्द विगत हो जाता है, ठीक है। 15वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों, अल्पज्ञ का विलोम शब्द है, तो ऑप्शन है दोस्तों विज्ञानी, बहुज्ञानी, विज्ञ या बहुज्ञ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम शब्द बहुत बहुज्ञ होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। 16वां प्रश्न ले लेते हैं दोस्तों, ग्रामीण का विलोम शब्द है, अब ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही कंफ्यूजिंग है, लोग इसमें गलतियाँ बहुत करते हैं। तो ऑप्शन है दोस्तों शहर, नागर, कस्बा या नगर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नागर होता है, ठीक है, ग्रामीण का नागर होता है। बहुत से लोग ऑप्शन डी लगा के चले आते हैं कि ग्रामीण का नगर हो जाएगा, लेकिन वो गलत होता है, ठीक है। नागर होता है, एक दूसरा भी विलोम शब्द होता है ग्रामीण का, और वो होता है दोस्तों शहरी, ठीक है, शहरी। तो इसे भी नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं आता है तो, क्योंकि ये भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। 17वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों, शोषक का विलोम शब्द है, तो ऑप्शन है दोस्तों चूषण, चूषक, पोषक या पोषण। तो शोषक का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, पोषक हो जाएगा, ठीक है। शोषक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पोषक हो जाएगा। 18वां प्रश्न लेते हैं हम अपना दोस्तों, सत्याग्रह का विलोम शब्द, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो ऑप्शन है आग्रह, दुराग्रह, अतिग्रह या कुआग्रह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, दुराग्रह। सत्याग्रह का विलोम शब्द दुराग्रह होता है, ठीक है। 19वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों, सहयोगी का विलोम शब्द है, तो ऑप्शन है दोस्तों मित्र, प्रतियोगी, वियोगी या शत्रु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतियोगी। सहयोगी का विलोम शब्द प्रतियोगी, ठीक है। 20वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों, लघु का विलोम शब्द है, तो ऑप्शन है बड़ा, छोटा, गुरु या विशाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु। गुरु दोस्तों क्या हो जाएगा, लघु का विलोम शब्द। एक ऑप्शन में आपको और मिल सकता है और वो है दोस्तों दीर्घ। लघु का विलोम शब्द क्या होता है, दीर्घ भी होता है, ठीक है। तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। 21वें प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, उपमान का विलोम शब्द है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन है उपमेय, अमान, अपमेय या अपमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, उपमेय, यानी उपमान का विलोम शब्द होता है उपमेय, ठीक है। 22वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों, अनुनासिक का विलोम शब्द है, तो हो जाएगा निर्वाचित, निर्नुनासिक, अनुनासिक या अनुनासिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, निर्नुनासिक। अनुनासिक का विलोम शब्द निर्नुनासिक और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। 23वां प्रश्न दोस्तों लेते हैं, मग्न का विलोम शब्द है, तो ऑप्शन है सुखी, दुखी, दुख या क्रोधित। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, दुखी। मग्न का विलोम शब्द क्या होता है, दुखी, ठीक है। 24वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों, निर्मल का विलोम शब्द है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन है गंदा, साफ, सजल या मलिन। तो
इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी मलिन। निर्मल का विलोम शब्द मलिन होता है। ठीक है, 25वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अधम का विलोम शब्द है तो ऑप्शन है उधम, अवधम, उत्तम या सर्वोत्तम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तम। अधम का विलोम शब्द हमेशा उत्तम होता है। ठीक है, 26वां प्रश्न लेते हैं। सजल का विलोम शब्द है, ऑप्शन है अजल, निर्जल, अवजल या अपजल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी निर्जल। सजल का विलोम शब्द निर्जल होता है। 27वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों। विपत्ति का विलोम शब्द, अब ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन है समस्या, आपत्ति, दम संपत्ति या दंपत्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी संपत्ति। विपत्ति का विलोम शब्द होता है संपत्ति। 28वां प्रश्न लेते हैं। परिश्रम का विलोम शब्द है तो ऑप्शन है आराम, विश्राम, थकान या निराश्रम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी विश्राम। परिश्रम का विलोम शब्द विश्राम होता है। ठीक है, 29वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों। न्यून का विलोम शब्द है, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो ऑप्शन है अधिकतम, अधिक, कम या ज़्यादा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अधिक। न्यून का विलोम शब्द क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, 30वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों अपना। निर्दय का विलोम शब्द है तो ऑप्शन है अदय, सदय, सदाय या अनिर्दय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सदय। निर्दय का विलोम शब्द क्या होता है? सदय होता है। 31वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों। जारज का विलोम शब्द है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन है औरस, मसरण, रूक्ष या सरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए जारज का विलोम शब्द होता है औरस। 32वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों। तमस का विलोम शब्द है, ऑप्शन है दोस्तों ठंडा, गर्म, सात्विक या सात्विक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी सात्विक। और ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी अगर आपको नहीं आता था तो नोट कर लीजिएगा। 33वां प्रश्न लेते हैं। अधुनातन का विलोम शब्द है तो दोस्तों ऑप्शन है प्राचीन, प्राचीनतम, सनातन या पुराकाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी प्राचीनतम। ये आपका क्या हो जाएगा? अधुनातन का विलोम शब्द। एक ऑप्शन में आपको और मिल सकता है तो अधुनातन का विलोम शब्द होता है दोस्तों पुरातन। तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 34वां प्रश्न है। नीरस का विलोम शब्द है, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो ऑप्शन है उत्साही, उत्साह, खुश या सरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी सरस। यानी नीरस का विलोम शब्द क्या होता है? सरस होता है। 35वां और हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों। उन्मुख का विलोम शब्द है तो ऑप्शन है अधोमुख, ऊर्ध्वमुख, विमुख या विमुख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी विमुख। ठीक है, उन्मुख का विलोम शब्द क्या होता है? विमुख होता है। दोस्तों आप लोगों के लिए है तो प्रश्न है गरिमा को का विलोम शब्द है तो ऑप्शन है लाघव, लघिमा, लधिमा या क्रोध। तो इसका आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंसर दीजिएगा, जिसका भी आंसर सही होगा मैं पिन कर दूंगा और बाकी लोग वहां से देख सकते हैं। बाकी जो हमारा विलोम शब्द का पार्ट थर्ड होगा वहाँ पर मैं इसका आंसर भी आपको बता दूंगा, तो उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों विलोम शब्द पार्ट 3 से रिलेटेड। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल ब्लैक बोर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन वीडियोज़ मिलने वाली हैं। ऑलरेडी हमने 68+ हिंदी ट्रिक्स और प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड वीडियो डाल रखे हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारी हिंदी ट्रिक की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको एक लिंक प्रोवाइड कराएंगे जिसके ज़रिए आप उस प्लेलिस्ट तक पहुँच सकते हैं। अगर आपका आज की वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिस पर हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते रहते हैं। आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके हमारा सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।